अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं भिंडी गोश्त की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सा ये तैयार होता है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं किस तरह से ये बनाया जाएगा। भिंडी गोश्त बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, उसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी, इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो हम इसमें दूसरे मसाले शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के। 5 से 10 सेकंड के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को हम ऑयल में पकाएंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने इसमें 1/2 किलो चिकन शामिल कर दी है। आप लोग इसे मटन और बीफ के साथ भी तैयार कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 बड़ी इलायची और नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून लिया है। और साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 कप टोमेटो की प्यूरी। मेरे पास ये फ्रीज हुई हुई थी। अच्छे से हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लेंगे। जब अच्छे से भुनाई हो जाएगी और ऑयल चिकन से सेपरेट हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें भिंडी और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। 1 पाव हमने दरमियाने साइज़ की भिंडी ली है। छोटे साइज़ की भिंडियाँ इसमें जाती हैं, बड़े साइज़ की भिंडी भिंडी गोश्त में अच्छी नहीं लगती है। दरमियाने साइज़ की या फिर छोटे साइज़ की भिंडी हम इस्तेमाल करेंगे और 4 से 5 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें भी साथ ही शामिल कर देंगे। भिंडी की भी हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें 1.5 गिलास पानी का डाल के मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा देर हम नहीं पकाएंगे क्योंकि भिंडी भी जल्दी गल जाती है, इसे कवर कर देंगे। अगर आप लोग भिंडी गोश्त बीफ या मटन में बना रहे हैं तो पहले गोश्त को गलाएंगे, उसके बाद ही इसमें भिंडी शामिल करेंगे। 10 मिनट बाद मैंने इसमें गरम मसाला शामिल करा था 1 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। चिकन में बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है, मटन और बीफ में थोड़ा बहुत टाइम लेता है क्योंकि मटन और बीफ गलने में टाइम लेते हैं। मज़ेदार सा ये भिंडी चिकन का सालन अब तैयार है। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल आई है और शोरबे की कंसिस्टेंसी भी आप लोग ये चेक कर सकते हैं। इतना ही आप लोगों ने रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही थिन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में बेल का आइकॉन होगा उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।